इस मिट्टी का वास्ता, सुगंध खाओ इस भारत माँ की मिट्टी का। अरे नपुंसको, अरे कायरो बुजदिलो, जाओ गुजरात के उन उन गलियों में, उन उन घरों में, उन गांवों में जहां आपने खबरें दिखानी बंद कर दी, और आप अरे माँ का दूध पिया है तो गुजरात के गांव में घूम कर देखो, नेशनल हाईवे को छोड़कर गुजरात की उन पंडंडियों में जाकर देखो कर, गुजरात से गोरे अंग्रेजों के दलाल और मुखबिरों को भगाएंगे। समझो अमित शाह को हिंदू तो है नहीं, अरे अमित शाह हिंदू है, अमित शाह क्या हिंदू नहीं, अरे हिंदू है, अरे तुम्हें बताओ क्या है, क्या है अमित शाह हिंदू नहीं है, क्या है बताइए ना, तुम्हें बताओ, आप बताइए ना, पत्रकार हो, अरे आप बताइए ना, जैन है, अरे सुन लो, अरे भाई जैन है, टटल हिंदू, टटल हिंदू, टटल हिंदू के बपौती सर्टिफिकेट आप लोग ले लिए है का, सुपरा साफ, लहर भी होगा, ललकार भी होगा, गुजरात से भाजपा की सरकार, भाजपा की सरकार फरार भी होगा, है और उन्होंने सुना को इतनी गाली दी, आपको ट्रेनिंग कहां से मिलती है, कांग्रेस कार्यालय से, सुन लो, अरे सुन तो लो, तुम लोगों ने इतनी गंद फैलाई है देश में, तुम सवाल नहीं पूछते, सवाल पूछो कि जिस ज्योतिराज सिंधिया पर बात होती थी कि ये झांसी की रानी के खिलाफ मुखबरी करने वाला परिवार का आदमी है, तो अब भाजपा में जाते स्वदेशी कैसे हो गया, तब क्या तुम्हारे मुंह में लटरिंग आ गया कि तुम सवाल नहीं पूछते हैं, बेशर्मा, पूछो सवाल, पूछो सवाल, है फिर, अरे सुन लो, सुन लो, अरे देश के आतंकवादियों, तुम लोग देश को टुकड़े टुकड़े में बांटने वाले लोग हो, सारा दिन 24 घंटा जहरीली बयान देते हो, कैमरे पर लबर लबर करने से काम नहीं होता है, जमीन पर जाकर काम कीजिए, ठीक है, पूरे भारत को भाजपा मुक्त गुजरात बनाने के लिए, भाजपा मुक्त भारत बनाने के लिए गुजरात में आना चाहिए, गुजरात सबसे बड़ा डुप्लीकेट खाद, डुप्लीकेट कीटनाशक और हाइब्रिड बीजों का सबसे बड़ा गढ़ बन गया, जिस तरीके से ड्रग्स रैकेट के मामले में, जहरीली शराब के मामले में, मोरबी में जो भ्रष्टाचार था वो असम में नंबर वन, वैसे ही यहाँ गुजरात में किया गया, किसानों को फसल के दाम नहीं मिलती है जो लागत मूल्य हैं, प्रधानमंत्री जी बात कह रहे थे ड्रोन से आलू ढोएंगे, अरे भैया प्रधानमंत्री जी जो लहसुन 4 रुपए किलो गुजरात में मिलता है उसको भी ड्रोन से ढो लीजिए ना, क्यों नहीं ढोते प्रधानमंत्री जी, पूरी दुनिया मुंह से बोलती है, हमारे प्रधानमंत्री जी कहां से बोलते हैं, मैं ही नहीं पूरा गुजरात ही नहीं पूरा देश कंफ्यूज है, जहां तक ड्रोन और नए तकनीक की बात कहते हैं प्रधानमंत्री जी, तो प्रधानमंत्री जी को मैं कहना चाहता हूं कि थोड़ी सी भी शर्म करते प्रधानमंत्री जी, जिस गुजरात ने आपको बुलंदियों तक पहुंचाया है, कम से कम उन किसानों के बारे में सोचा होता, उन किसानों के लहसुन ड्रोन से ढो लिया होता, इतनी बेशर्म प्रधानमंत्री आज तक के इतिहास में दुनिया के किसी भी मुल्क में नसीब नहीं है। अच्छा जी, आप किसान आंदोलन में रहे, लगातार किसान आंदोलन में आप रहे, गुजरात में उस तरह का आंदोलन नहीं दिखा, लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐलान किया कि गुजरात में बीजेपी के खिलाफ प्रचार करेंगे, तो कैसे आप देख रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर पर देश भर को किसानों को जो आज गुजरात सोचता है वो पूरा देश उसका अनुसरण करता है, उदाहरण के तौर पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और सरदार पटेल जैसे सरीखे लोगों को ये गुजरात की कोख ने जन्म दिया है, इस गुजरात ने जन्म दिया है, जिस सरदार पटेल और राष्ट्रपिता महात्मा की जन्मस्थली गुजरात की गौरवमयी इतिहास आज फिर से एक बार मैं भी इस गुजरात की मिट्टी को शत शत बार प्रणाम करने आया हूँ, गुजरात के लोगों को पूरा देश देख रहा है और गुजरात पूरे देश को सरप्राइज देने वाले हैं, जब चुनाव के नतीजे आएंगे निश्चित तौर पर गुजरात एक सरप्राइज देगा पूरे देश को, भाजपा मुक्त, भाजपा मुक्त गुजरात, भाजपा मुक्त हिंदुस्तान बनाने की प्रक्रिया में इस बार के चुनाव हो रहे। आपको मैं बता देना चाहता हूँ, सरकार की, भारत सरकार की जो भी योजनाएं हैं, हम जितने भी पत्रकारों को देखते हैं वो भांड की तरह टुकटुकी बजा रहे होते हैं शहरों में, अरे माँ का दूध पिया है तो गुजरात के गांवों में घूम कर देखो, नेशनल हाईवे को छोड़कर गुजरात की उन पंडंडियों में जाकर देखो, हम पाषाण काल में जीने को मजबूर हैं, 6,000 स्कूल बंद कर दिए गए, सड़कें टूटी फूटी है, ओमपुरी की गाल से भी ज़्यादा गड्ढे गुजरात के उन सड़कों में नजर आएंगे, आप जब जाकर देखेंगे अस्पतालों की स्थिति, खुद अस्पताल वेंटिलेटर पर है, अस्पतालों को ऑक्सीजन की जरूरत है, अस्पतालों में बेड नहीं है, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, एक बड़ा तबका जो धनाढ्य है, सबके बच्चे विदेशों में जाकर मेडिकल की फर्जी डिग्रियां लेकर
गुजरात में नर्सिंग होम खोलकर गुजरात के अस्पतालों को नस्तनाबूद कर दिया। यही कारण है कि 27 साल के भाजपा के शासन में एक भी अस्पताल नहीं बने, और एक केंद्रीय अस्पताल था भी तो भुज का वो केंद्रीय अस्पताल अडानी को सौंप दिया गया। खुद भाजपा का मॉडल उद्योगपतियों के हाथ में खेलता है, और हमारे गुजरात के जो भाई हैं वो इस भली भांति समझते हैं। गुजरात के लोगों ने कहा, भाजपा आरएसएस के लुक्के अगर हम बोलते हैं टीवियों पर किसी चैनलों में तो वो घर पर आकर हमला करते हैं, पुलिस उठाकर ले जाती है। वहीं दूसरी तरफ बार बार ड्रग्स बेचने वालों पर कार्रवाई नहीं होती है, शराब अवैध शराब बेचने वालों पर कार्रवाई नहीं होती है, भ्रष्टाचार करने वालों पर कार्रवाई नहीं होती है। आप उदाहरण के तौर पर, अरे सुन तो लो भैया, मोरबी में मजदूरों और गार्डों को जेल भेज दिया गया, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्टर था जिसके प्रधानमंत्री से नज़दीकियाँ थी, प्रधानमंत्री अपना कर्जा चुकाने के लिए उसकी गिरफ्तारी तक नहीं करवाए। कांग्रेस के लिए प्रचार कर रहे हैं, किसान मोर्चा कह रहा है कि बीजेपी के खिलाफ प्रचार करेंगे, लेकिन किसान किसने कहा नहीं कहा कि किसके लिए प्रचार? देखिए, किसानों ने भाजपा के खिलाफ ही प्रचार किया है। हम भी भाजपा के खिलाफ ही कर रहे हैं, और भाजपा के खिलाफ नहीं कर रहे हैं, भाजपा का जो 27 साल का कुकर्म है उसको एक्सपोज कर रहे हैं। क्या उज्ज्वला योजना घर घर पहुंची? क्या माँ बहनों के आंखों से आंसू अब न टपक रहे? क्या उनको आंखों की बीमारियां ना होगी? क्या किसानों की स्थिति सुधर जाएगी? क्या यहाँ ड्रग्स माफियाओं पर कार्रवाई होगी? क्या बाटोद में जो जहरीली राकेश टिकैत जी आएंगे यहाँ पर? ये टिकैत जी की बात है, टिकैत जी बताएंगे। किसान नेताओं के अपने अपने विचार रहे, निश्चित तौर पर आना चाहिए। पूरे भारत को भाजपा मुक्त गुजरात बनाने के लिए, भाजपा मुक्त भारत बनाने के लिए गुजरात में आना चाहिए। आप जैसे पत्रकारों से भी हाथ जोड़कर विनती है, आपको पत्रकारिता का वास्ता, आपको भारत माँ के इस मिट्टी का वास्ता, सौगंध खाओ इस भारत माँ की मिट्टी का। अरे नपुंसको, अरे कायरों बुजदिलों, जाओ गुजरात के उन उन गलियों में, उन उन घरों में, उन गाँवों में जहाँ आपने खबरें दिखानी बंद कर दी, और आप लगातार टीवी चैनलों में बैठकर वहां मुजरा गा रहे होते, तथैया कर रहे होते, हिंदू मुसलमान कर रहे होते, भारत पाकिस्तान कर रहे होते। अरे भारत का दिल है गुजरात, गुजरात को का ऐतिहासिक आप पल देखेंगे, भगवान श्री कृष्ण खुद आए थे मथुरा से चलकर द्वारिका। अरे सुन लीजिए ना भाई, अरे बीजेपी के मैनिफेस्टो पर कह रहे, भाजपा के किसी भी नेता पर भरोसा नहीं है। अरे लेकिन बड़े बड़े वादे किए गए पंकज जी, बड़े भाजपा ने जो आज मैनिफेस्टो जारी किया उसमें बड़े बड़े वादे किए गए हैं, जिसमें कि 20 लाख जो है युवाओं को रोजगार देने की बात कही गई है। हो गया, 2 करोड़ युवा का मैनिफेस्टो कब लागू हुआ था बताओ? पत्रकार हो, अरे अभी पूछ रहा हूं, अरे अभी माइक टूट जाएगा, अरे माइक टूटेगा, टूट जाएगा तुम्हारा आंख फूट गया है, आंख फूट गया है। जब तरीके से होते हैं भारतीय तमीजी पर क्या उतर जाते हैं? सवाल पूछा गया ना आपसे पत्रकारों की 3 दबाई, लात जुत्ता और कुटाई। आप देश को गर्त में ढकेल रहे, आप बताओ कि भाजपा क्या 27 साल के शासन में जब अब चुनाव आए हैं तब क्या पहली बार मैनिफेस्टो जारी कर रहा है? क्या मैनिफेस्टो पर कार्रवाई हुई है बात? अगर जितने मैनिफेस्टो भाजपा ने किया तो आज ये गुजरात ये कह रहे कि नरेंद्र का रिकॉर्ड तोड़ेंगे भूपेंद्र। अच्छा, मोदी जी कह रहे हैं तोड़ देंगे ना, क्लीन साफ कर देंगे, सुपरा साफ हो जाएगा, टूटी खाट फटा लंगोट, अमर गया भाजपा को देकर वोट। सोचा था बनियान के ऊपर नई शर्ट आएगी, क्या पता था बाद में पतलून भी उतर जाएगी। अच्छा। ये गुजरात की जनता देख रही है, और गुजरात की जनता निश्चित तौर पर इस बार परिवर्तन का समय है, काउंटडाउन शुरू हो चुका है, ऐसा बटन दबाएगी कि भाजपा नेताओं के कान खड़े हो जाएंगे और उनके बाल होश उड़ जाएंगे। जनता तो देख रही है, आप गुजरात क्यों आए? अपना राजनीति चमकाने के लिए। अच्छा, महात्मा गांधी जी बिहार गए थे? अरे क्या पत्रकारिता करते हो यार, वक्त अभी की बात करिए ना, अभी की बात करिए। उस समय उस अरे सुन तो लो, उस समय हमारे बाप दादाओं ने गोरे अंग्रेजों को भगाया था, आज फिर बिहार और गुजरात मिल गुलाम थे, अभी आजाद तो लो यार, सुन नहीं रहे, पूरी बात सुनने का पैसा लग रहा है। अरे यही बात, उस समय तुम जैसे मिल दलाल मीडिया ना थे,
वरना अंग्रेजों की दलाली या मुजरागिरी कर रहे होते और देश आज़ाद नहीं होता। अरे हमारे बाप दादाओं ने महात्मा गांधी और सरदार पटेल के साथ मिलकर गोरे अंग्रेजों को भगाया था। आज हम फिर से हम नई पीढ़ी के लोग मिलकर गुजरात से गोरे अंग्रेजों के दलाल और मुखबिरों को भगाएंगे, इन काले अंग्रेजों को भगाएंगे। जय हिंद, जय भारत। क्या भारत जोड़ो यात्रा चल रहा है, आपने देखा होगा कि राहुल गांधी की जो दाढ़ी है वो बड़ी है, जो भाजपा के नेता है या भाजपा के समर्थक है वो उनको जो है सद्दाम हुसैन से जो कंप्लेन कर रहा है, ये उनको जो है मतलब सद्दाम हुसैन बताया जा रहा है। हेमंत विश्व शर्मा, आप लोग रोटी खाते हो लैट्रिन खाते हो, पूछ रहा हूँ मैं, रोटी खा, अरे पूछ रहा हूँ रोटी खाते हो कि नहीं हेमंत, अरे भाई सुन तो लो, अरे हेमंत विश्व शर्मा शारदा के अभियुक्त था, ईडी सीबीआई आईटी डेली पैसेंजरी करता था, अब क्या रास्ता भूल गया है भाजपा सरकार, भूल गया है सीबीआई ईडी, क्यों नहीं हेमंत विश्व शर्मा पर शुभेंदु अधिकारी पर कार्रवाई होती है, वो सवाल पूछने की आपकी औकात नहीं है, ये पूछता है भारत और आप जैसे पत्रकारों पर ठोकता है भारत। आप सवाल पूछो, अरे आप पत्रकार नहीं हो, अरे आप लोग पत्रकार नहीं हो, आप लोग एक आतंकवादियों से भी गए गुजरे हो, जब उस जिस शारदा नारदा की बात हो रही थी, जब ईडी सीबीआई आईटी उनके घर डेली रेड मारा करता था, जब भारतीय जनता पार्टी में आ गया तो क्या भगवान राम और कृष्ण कहते हैं कि गरीबों का पेट काट कर जमा किया हुआ पैसा लूट लो? ये लोग राम और कृष्ण के नाम पर जैसे एक भिखारी, जैसे रावण ने भगवा पहनकर माँ सीता के साथ छल किया था, उसी तरीके से भाजपा के लोग राम और कृष्ण का नाम लेकर जो गरीबों का कमाया हुआ पैसा 2 रुपया 4 रुपया जमा करके बैंकों में शारदा चिट फंड में जमा किया था, उस शुभेंदु अधिकारी और वो हेमंत विश्व शर्मा की आप बात करते हैं, लेकिन आप जैसे दलालों ने कभी भी हेमंत विश्व शर्मा से ये सवाल नहीं पूछा कि अरे भाई सुन रहा, अरे क्यों खुला गए भाई, आप तो कुत्ते भी बेवजह नहीं भोगते, आप लोग भोगे जा रहे हो, अरे सुन लो, क्या 1 लाख महिलाओं को रोजगार देगी बीजेपी, पहले जसोदा बहन को तो रोजगार दे दीजिए, हैं और उन्होंने सुनारों को इतनी गाली दे रहे, आपको ट्रेनिंग कहाँ से मिलती है, कांग्रेस कार्यालय से? अरे सुन तो लो, तुम लोगों ने इतनी गंद फैलाई है देश में, तुम सवाल नहीं पूछते, सवाल पूछो कि जिस ज्योतिराज सिंधिया पर बात होती थी कि ये झांसी की रानी के खिलाफ मुखबरी करने वाला परिवार का आदमी है, तो अब भाजपा में जाते स्वदेशी कैसे हो गया, तब क्या तुम्हारे मुंह में लटरिंग आ गया कि तुम सवाल नहीं पूछते हैं, बेशर्मो, पूछो सवाल, पूछो सवाल, है फिर, अरे सुन लो, सुन लो, अरे देश के आतंकवादियों, तुम लोग देश को टुकड़े टुकड़े में बांटने वाले लोग हो, सारा दिन 24 घंटा जहरीली बयान देते हो, कैमरे पर लबर लबर करने से काम नहीं होता है, जमीन पर जाके काम कीजिए, ठीक है, यहाँ पे आके पत्रकारों को उल्टा सीधा बोल देना, गाली गाली देना, ये अपने आप को क्या साबित करना चाहते हैं? अरे हाथ छोड़िए ना, हाथ छोड़िए ना, सारे 24 घंटा टीवी चैनलों में बैठ कर बकैती करते हो, अगर माँ ने दूध पिलाया तो जाके गाँव में देखो ना, हमारी उन माँ बहनों को, अरे लट्ठा गाँव गए थे, अरे लट्ठा गांव गए थे, वो सारे हिंदू परिवार के थे, अरे भाई नरोदा गया, अरे भाई नरोदा गया, अरे मुद्रा गया, अरे जहाँ ड्रग्स आया था गए हो, अरे भाई ड्रग्स कहाँ कहाँ पकड़ाता है, कहाँ कहाँ जाली नोट छापने की मशीन पकड़ी गई, तो कौन है आप? सिर्फ देखिए जो भाजपा का मॉडल है आप उसको गुजरात मॉडल मत बनाइए, जो गुजरात मॉडल है उसको नहीं, गुजरात मॉडल राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का मॉडल, गुजरात मॉडल सरदार पटेल का मॉडल, सुन रहे हैं, दिखा रहे हैं, अच्छी बात है आप दिखा रहे हैं, आप बहुत ईमानदार लग रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप बंगाल भी जाते, सुनिए मेरी बात, आप बंगाल भी जाते, आप राजस्थान भी जाते, आप झारखंड भी जाते, आप बिहार भी जाते, वहां जाकर के दिखाते, वहां की सड़कों को दिखाते, तब समझते कि पंकज श्रीवास्तव जो है ईमानदार है। सुन लो, बोलिए ना, सुनिए, तुम पाकिस्तान जाते हो, पाकिस्तान की बात कहते हो, पाकिस्तान में तेरा कौन रहता, रिश्तेदार रहता है, बात चुनाव आपके रिश्तेदार, बात होना चाहिए गुजरात का, है हिम्मत, चलो मेरे साथ, जिन जिन गांवों का नाम बताता हूँ, भाजपा की सरकार है गुजरात में, मध्य प्रदेश चल लूँ, चल लूँ हिमाचल प्रदेश, चल लो यूपी में, शर्म नहीं है, नौजील में, अरे सुन तो लो, मैं गया, अरे बेशर्मों गया, 84 कोस परिक्रमा का जो मार्ग है, चाहे वो अयोध्या का हो या मथुरा का हो, वहाँ की सड़कें बनी है, गुजरात में 6,000 स्कूल बंद कर दिए गए भाजपा की सरकार में, अरे सुन रहे, अरे सुन तो लो, जैसा वो स्मार्ट, काम लो हमसे, माने काम लेना हमारे बाप से, आप बकैती लो हमसे, ये वाला बात,
6000 स्कूल तो आपने 27 साल में भी नहीं, 2 साल के अंदर में बंद कर दिया। अरे भाई आओ ना, मैं क्या कह रहा हूँ, बकैती मत करो, जाकर देखो गाँव में किन किन गाँव में स्कूलें हैं, किन किन गाँव में अस्पताल हैं, उनकी स्थिति क्या है। ये हाई, ये जो नेशनल हाईवे देखते हैं ना, इसको छोड़कर गांव में जाइए। गुजरात को बदनाम करने आए, बीजेपी की सरकार को बदनाम करने। गुजरात और बिहार मिलकर देश को आज़ाद कराया था, फिर से बारी है, ये देश की दूसरी आज़ादी की लड़ाई है, फिर से गुजरात और बिहार एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर पूरे देश में भाजपा मुक्त, भाजपा की गुलामी से मुक्ति दिलाएगा। जो भाजपा पूरे देश में नफरत फैलाती है, जो भाजपा महंगाई के नाम पर देश को लूट रही है, जब जब भाजपा आती है महंगाई लाती है। पंकज जी आखिरी सवाल है, अमित शाह जी कह रहे हैं 2002 के जो दंगे हुए थे, जो दंगे ही थे उनको ऐसा सबक सिखाया आज तक जो है शांति और राजीव गांधी का दूसरा। एक मिनट, कौन दंगे थे भाई, आज आगे पूछ रहे ना। बारे में कहा कि जो कांग्रेस के लोग दंगा सुनी ना रहे, अरे 2002 में सबक सिखाया कि अब गर्दन उठा के नहीं। अरे सुन तो लो, अहमदाबाद चले जाओ, वो मोची साहब से पूछ लो कि उनको क्या मिला, आज भी वो जूते में पॉलिश कर रहे। एक दलित परिवार के लोगों का पूरा जीवन खराब कर दिया गया, देश के युवाओं को दंगाई बना दिया गया। धर्म सबसे पहले समझो, अमित शाह को हिंदू तो है नहीं, अरे अमित शाह हिंदू है, अमित शाह क्या हिंदू नहीं, अरे हिंदू है, अरे तुम ही बताओ क्या है, क्या है अमित शाह हिंदू नहीं है, क्या है बताइए ना, तुम ही बताओ, आप बताइए ना, पत्रकार हो, अरे आप बताइए ना, जैन है, अरे सुन लो, अरे भाई जैन है, कट्टल हिंदू, कट्टल हिंदू, कट्टल हिंदू के बपौती सर्टिफिकेट आप लोग ले लिए है क्या। हिंदू धर्म, सनातन हिंदू परंपरा 84 लाख योनियों के भरण पोषण की बात कहता है, आप उसको नफरत से नहीं तोल सकते, समझिए। वही लोग हिंदू धर्म को बदनाम करने की सुपारी ले रखे हैं, जिस धर्म में पेड़ कैसे जिंदा होगा, हम पेड़ों में भी देवता ढूंढते हैं, हम पक्षियों में देवता ढूंढते हैं, हम गायों में जानवरों में देवता ढूंढते हैं और उनके जीवने की कला सिखाते हैं। सवाल बता दीजिए, 182 सीट है गुजरात के अंदर, तो क्या लग रहा है भाजपा इस बार कितनी सीटों पर जीत दर्ज कर पाएगी? सुप्रा साफ, लहर भी होगा, ललकार भी होगा, गुजरात से भाजपा की सरकार, भाजपा की सरकार फरार भी होगा। चलिए धन्यवाद।